बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप हंसते रहें, बचते रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। इसी प्यारी सी दुआ के साथ ही व्लॉग का आगाज किया है। नए आने वाले बहन भाइयों से दुआ है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा जी, और प्यारे प्यारे कमेंट करके सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं देख रही थी जी, यहाँ पर हमने लगाई थी ये, मुझे इसका नाम तो नहीं आता, हम इसको सादा जबान में क्या रहते हैं, बूटी। तो वो माशाल्लाह बड़े ही अच्छी ग्रो कर रही है। मुझे इसके ग्रो करने का इंतज़ार है क्योंकि जी मैंने बहुत सारे प्लांटर अभी और भी बनाने हैं। अभी थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज है तो फिर प्लांटिंग भी करनी है और हमने बहुत बड़ा यहाँ पे गार्डन भी बनाना है। तो आप कहते होंगे कि छत पे बहुत बड़ा गार्डन कैसे बन सकता है, भाई छत पे ही तो बड़ा गार्डन बनता है। तो फिलहाल जी मैं चलती हूँ अपने किचन में और आपके साथ आज की रूटीन शेयर करती हूँ। आज मेरा तो मूड था जी कोई सब्जी बनाने का, लेकिन बच्चों ने जिद किया कि नहीं मामा जी आज दाल और चावल बनाएं, इसलिए फिर दाल अभी बनाऊंगी। लेकिन ये कि दाल पहले भीगी हुई तो अच्छी पक जाती है, मगर आज हमें फोरे करके भी मौके पर दाल पकानी पड़ेगी। आज जी मेरा तो मूड था कोई सब्जी बनाने का, लेकिन बच्चों ने जिद की है कि मम्मा आज दाल और चावल बनाए, तो इसलिए फिर मुझे अभी फौरन ही दाल भिगो के पकानी पड़ेगी क्योंकि टाइम हो गया जी थोड़ा सा ज़्यादा। आज दोपहर में बस बच्चों को हल्का फुल्का ही खिलाया, तो इसलिए बात सब कहते हैं कि शाम का खाना जाना वो ज़रा जल्दी बना लो। दो तीन दिन से हम छत पे गंदम डाल रहे हैं जिसकी वजह से छत की ठीक से सफाई नहीं हो पा रही है, इसलिए वहाँ पे जो है ना कुकिंग करना बड़ा ही मुश्किल था। तो आज भी हम दोबारा से यहीं पे आ गए हैं और मनी प्लांट देखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से उगने लगे। चले जी अल्लाह का शुक्र है वेट लग गया और इधर मैंने रख दिया जामुन के लिए पानी। पकड़ो
सदेव मांझा लेके आओ। धूप इतनी शदीद है जी, दोपहर के टाइम जब हम लोग आते हैं ना यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, तो पौधे ऐसे मुरझाए हुए होते हैं कि इनको देख के हम भी मुरझा जाते हैं। सदेव सदेव बेटा नीचे से मोटर चला के आओ, जाना शाबाश। फूल तो और भी खिलते हैं जी घर में, लेकिन मोतिये का एक फूल खिला था तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, मुझे सबसे ज्यादा इसकी खुशी हुई। ये जी मैंने लगाया है मिर्चों का पौधा, हरी मिर्चों का पौधा, काली मिर्चों का नहीं। तो वैसे भी मैं किचन गार्डनिंग भी करना चाह रही हूँ, बीज भी ला के रखे हुए, बस थोड़ा सा मट्टी का इशू आ रहा है, मट्टी नहीं मिल रही है कहीं कहीं से ना। तो जब असल में फसलें कट जाती हैं ना, जैसे कि गंदम और मूंगफली, उसके बाद खेतों में हाल चलाए जाते हैं, तो फिर मट्टी जो है वो आसानी से मिल जाती है। तो यहीं से हमने किसी के खेत से लानी होती है, तो अभी ऐसे मुनासिब नहीं लग रहा कि हम किसी के खेत में से मट्टी लेके आए, अपने खेत तो हमारे है नहीं है, इसलिए फिर थोड़ा सा लेट ही होता जा रहा है। ये बहुत पुराना हमारे घर में एक पीस पड़ा हुआ था, ये वो है सिलबट्टा, जिसे कहते हैं सिलबट्टा तो और चीज़ होती है, इसे हम दोरी कहते हैं, मट्टी की दोरी थी। तो इसके अंदर इकबाल साहब ने ये गुल दोपहर लगाई हुई थी, तो अभी मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है। ये एक गमला टूट गया था, उसके कट पीस लेके जो छोटे छोटे टूट गए थे उनको मैंने इस तरह से जॉइंट करके तो उनके ऊपर डिफरेंट कलर किया, तो ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत हो गया। इसको मैंने कहा ज़रा नीचे उतार के धोती हूँ, ये एक बार साहब ना गमले इसके ऊपर पिंजरे के ऊपर रख देते होते हैं। और गुलदपहर भी हमने बहुत सी जगहों पे लगाई है, ऐसी रफ जगह पे, क्योंकि हमें उसकी भी बहुत ज़रूरत है आगे चल के। हमने गुलदपहर की भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग भी करनी है, जैसे कि हमने अपना ये भी एक पीस तैयार किया था, ये देखिए इस तरह से। तो ये सारा वो क्या कहते हैं कि कबाड़ की चीज़ों से ही मैं अपना जो है ना गार्डन बनाना चाहती हूँ। और इंशाल्लाह जैसे जैसे बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। एक मेरे सिस्टर ने बोला था कि आप ये जो गमले वगैरह बना रही हैं वो बनाते हुए भी हमारे साथ शेयर करें। तो असल में हुआ ये था कि एक दिन में काम नहीं हुआ था, थोड़ा सा कर लेती थी, फिर कुछ काम आ जाता था, उठ जाती थी। तो जिस दिन मेरे पास फ्री टाइम हुआ ना ज़्यादा, तो फिर मैं सारे इकट्ठे बैठ के बनाऊँगी और फिर आपसे शेयर भी करूँगी। और ये मैंने चिड़ियों और कौओं के लिए, मतलब मुख्तलिफ परिंदों के लिए जितने भी आज़ाद घूम रहे होते हैं उनके लिए, ये मैंने पानी के लिए बनाया था पीस। और ये मैंने बाजरे के लिए, अभी भी इसमें बाजरा था, वो मैं तोतों को डाल के आ गई। तो ये मैंने बनाया था जी, ये वाला जो पीस है ये देखें, ये हांडी का ढक्कन है, जो मट्टी की हांडी होती है ना उसका ढक्कन है। तो ये यहाँ से डीप होता है और साइड पर जो किनारा था इस पर मैंने ये बजरी लगाई है। ये देखिए अभी इस पर थोड़ी सी डस्ट पड़ी हुई है, मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह कितना प्यारा लगता है, ये देखिए। तो बजरी लगा के फिर मैंने इसको कलर किया, तो ये इतना खूबसूरत सा जो हमारा परिंदों का एक बर्तन बन गया। और ये जो पानी वाला है ये आप देखते हैं, ये कितना खूबसूरत लगता है मुझे। 10 मुहर्रम को लोग न्याज बांटते हैं ना, तो ये वैसे दर ने जमा करके सारे बर्तन रखे हुए थे। इसके नीचे वो प्लेट सी भी होती है, वो भी अभी मैंने सेव की हुई है, किसी दिन कोई उसकी डिज़ाइनिंग भी जेहन में आएगी वो भी हम करेंगे। तो इनको हमने ज़ाया नहीं किया, बच्चे उस वक्त खेलते हैं तोड़ देते हैं, ये शुक्र अल्लाह का मेरे बच्चे चीज़ें ज़ाया नहीं करते, तो उनका मैंने इस तरह इस्तेमाल किया। और ये भी माशाल्लाह कितना खूबसूरत लगता है। अभी हम इस पर पानी डालेंगे, अभी आप देखिएगा कितने प्यारे लगते हैं। और आप यकीन करें कि परिंदे इसमें बहुत शौक से पानी पीते हैं, तो ये मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है परिंदों को इस बर्तन में पानी रखना। लूज करो जरा,
इधर ये कुछ छुरी लेके आओ, यहाँ पे ये ना जम गया हुआ आटा, किसी ने गिराया होगा, ये जमा होगा। देख दी ये छुरी लेके आओ, मेरे इधर के तो मामा झाड़ू मैं लगाऊंगी, मैंने कहा चलो जी आप लगा लो। अब मैं लगाऊं आप नहीं लगानी। इधर मैं डालू नहीं, आज हैदर के इरादे मजबूत हैं। हैदर हैदर सब आप ही करने वाले हो, मैं करूंगा। शहजेब जब सफाई करता है ना तो शहजेब मेरे से भी अच्छी सफाई करता है, और महक फातिमा की बेटी है हमारे घर का, और सब से सफाई का मदर बन गया। तो टाइम बड़ा लगा दोगे, बच्चे टाइम नहीं है मेरे पास, आप क्या कर रहे हो? ये पत्ते नहीं गिराना, ये पत्ते खाओ तो कोई काम आते हैं, इनकी खाद नहीं, पत्ते नहीं गिराना इससे। हैदर ने तो कपड़े भी उतार दिए, मुझे बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाने दे रहा। हैदरी बस कर पुत्र, टाइम थोड़ा है, चावल पक गए हैं, आप हांडी भी बन गई है, सालन भी बन गई, हांडी भी बन गई है, खाना तैयार है, बस ये सेम साफ होता है तो पापा तेरे आते हैं यहाँ बैठ के खाते हैं। छोड़ देना मेरा सुना, अब मुझे करने दे, मैं जल्दी करूँगी। काका मैं मान जाना मेरी बात, ये जल्दी हो रही है, बस 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 मेरे पे छिंटे आएंगे। शहजेब साहब के गमले ही नहीं सेट होंगे आज, पापा ने खुद किए होते हैं यहाँ पे, जहाँ जिसको धूप की ज़रूरत है ना और जिसको छाँव की ज़रूरत है उस हिसाब से उन्होंने रखे हुए हैं। आप सिर्फ डेकोरेशन बनाते हो तो उन्होंने इस हिसाब से रखे हैं कि धूप छाँव की जिसको ज़रूरत है ना, बेटा नहीं हिलाओ फिर उन्हें उठाने पड़ेंगे, इतने वजनी है ये, छोड़ दो। जब मौसम चेंज हो जाएगा ना फिर अपने हिसाब से सेटिंग कर लेना, ये बोतलें ठीक करो। आंटी जी मुझे करने दो ना, असल में मैं इनको सिखाती हूँ थोड़े बहुत काम, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरी अपनी एक मसरूफियत होती है, और मैं इन्हें कहती हूँ कि आप लोग किया करो, जिनकी एक बहन होती है उनके भाइयों को भी काम करने चाहिए। अब एक बहन है बेचारी, उसने खुद भी पढ़ना होता है, वो बेचारी क्या क्या करे। शहजेब साहब एक एक नुक्कड़ साफ करेंगे, देखे पानी लेके जाता है और एक एक नुक्कड़ की सफाई कर रहा है, क्योंकि इसने इस शहजेब को पाइप नहीं देना जो मर्जी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना भी तैयार हो गया और सफाई भी बहुत अच्छी हो गई है, दो तीन दिन से सफाई नहीं होती जिसकी वजह से गार्डन भी बड़ा रुका रुका लग रहा था और किचन भी बड़ा
रफ रफ सा फील हो रहा है। था तो अभी जी हम जल्दी से कर लेते हैं, शाम का खाना खा लेते हैं क्योंकि अजाने भी होने वाली हैं, तो उसके बाद फिर नमाज भी पढ़ने। अच्छा जी अवैस आ जाओ बेटा, अवैस कपड़े बदल के आ गए। आज पापा की जाए, पापा को बुलाओ। काका आ जाना, सफाई करते हुए ये ऐसा करके जो नेल है वो थोड़े से रफ हो गए, तो अब उसे थोड़ा सुकून नहीं आ रहा। चावलों का चमचा नहीं है यहाँ। ठीक है जी, फिर इसके साथ इजाज़त है क्योंकि बहुत जल्दी अजाने शुरू होने वाली हैं। अजान के दौरान ब्लॉग हम नहीं कंटिन्यू रख पाएंगे, तो मुलाकात होगी थी आपसे इंशाल्लाह फिर किसी और किसी ब्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, और एक बार फिर मैं कह दूँ कि जाते जाते जो बहन भाई नए चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा जी, अपना भी रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलो बेटा।